नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। अमरोहाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल में युवकों के बीच जमकर हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, मचा हड़कंप। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दोनों युवकों को बचाती दिखाई दी महिला, के बावजूद भी जमकर मारपीट करते रहे युवक। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो अमरोहाबाद के जिला अस्पताल की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और जाँच की जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश महिला शिक्षा संघ ने जिलाधिकारी से की मुलाकात, शिक्षकों की समस्याओं पर हो बात। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षा संघ की जिला अध्यक्ष ने कहा, शिक्षकों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से पहली बार की जा रही है मुलाकात। महिला शिक्षकों की समस्या को लेकर लगातार संगठन कर रहा है काम। इधर अमरोहाबाद के विकास नगर में महिला के साथ हुई छेड़छाड़, पुलिस ने कराया महिला का मेडिकल। इधर अमरोहाबाद की रामगंगा बिहार कॉलोनी में टंकी से आता है गंदा पानी, स्थानीय निवासी है परेशान। स्थानीय निवासियों ने कहा, टंकी से आ रहा है गंदा पानी की शिकायत पर नगर निगम को करने के बावजूद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। क्षेत्र में गंदा पानी आने की वजह से पानी की क्षेत्र में हो रही है समस्या। इधर भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, किसानों की स्थानीय समस्याओं को किया उजागर। इधर सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट ने देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन के क्रम में कलेक्टर पर किया जोरदार प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। इधर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने अल्पसंख्यकों विशेषकर कुरेशी बिरादरी की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर पर किया जोरदार प्रदर्शन। कुरेशी समाज का उत्पीड़न बंद करने एवं आधुनिक स्लॉटर हाउस का निर्माण कराए जाने की उठाई मांग। इधर अमरोहाबाद से दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई सम्पन्न। सांसद डॉक्टर एस टी हसन की अध्यक्षता में अमरोहाबाद की बिजली, पानी, सड़क साफ सफाई के साथ विकास कार्यों पर हुई चर्चा। बैठक के दौरान महापौर विनोद अग्रवाल एवं विधायक कुंदर की नगर, साथ ही जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के साथ जनपद के सभी विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। इधर कुंदर की थाना क्षेत्र के गांव शिमला ठेर में 4 दिन से लापता युवक का शव पेड़ से लटका मिला, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए जाँच की शुरू। इधर अमरोहाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवंत सिंह सैनी, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। हर समाज को साथ लेकर चलती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी, पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार ने चला रही है अनेक योजनाएं। इधर अमरोहाबाद के थाना सिविल लाइन इलाके के जेल रोड स्थित रेस्टोरेंट के गेट के बाहर रखे LPG सिलेंडर में लगी आग, मचा हड़कंप। रेस्टोरेंट के गेट के बाहर लगी आग के कारण दोनों तरफ से ट्रैफिक को पुलिस ने रोक दिया और सभी से सहयोग की अपील की। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। इधर उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह 28 जून तक जनपद अमरोहाबाद में करेंगे भ्रमण। 25 जून को विकासखंड बिलारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेने के साथ वैक्सीनेशन केंद्रों का करेंगे निरीक्षण। प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की गई पूरी।